हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेथ रॉलिंस, बेकी लिंच, विंस मैकमैन एंड स्कारलेट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे अभी आपको पता है कि बेकी लिंच हो चुकी है अब प्रेग्नेंट और वो WWE से कुछ टाइम के लिए बाहर होंगी। और बात करें सेथ रॉलिंस की, तो वो एकदम से पागल हो चुके हैं। हालांकि वो अपना कैरेक्टर निभा रहे हैं, बट स्टिल उनका कैरेक्टर अभी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तो यहाँ पर बेकी लिंच को कैसे कंफर्ट किया विंस ने बैकस्टेज, एंड आखिर सेथ रॉलिंस स्कारलेट को कैसे जानते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इसे एंड तक जरूर देखिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल रेसलिंग बादशाह को सब्सक्राइब करिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑल पर प्रेस करिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे जैसे हम अपलोड करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट होने वाला है 1.5K लाइक्स। मुझे भरोसा है कि मेरी बादशाह स्क्वाड इस वीडियो को 1.5K लाइक जरूर कर देंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट बात करते हैं सैमी ज़ेन के बारे में। जैसे आपको पता है कि सैमी ज़ेन जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, उनका जो बेल्ट है वो अभी वेकेट कर दिया गया है बाय WWE, क्योंकि कैब ड्राइवर अभी आ नहीं सकता WWE में परफॉर्म करने के लिए। और अब इस हफ्ते के स्मैकडाउन से एक नया टूर्नामेंट होने वाला है, जहां पर डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। तो जब भी अनाउंसमेंट हुई थी ट्वीट के जरिए कि सैमी ज़ेन वेकेट करेंगे अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, उस पर कैब ड्राइवर भाई ने रिप्लाई दिया ट्वीट करके और ये कहा कि मैं डिसअग्री करता हूँ इस डिसीजन से, और चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, मैं ही रहूँगा अनडिफीटेड, एंड इसलिए मैं ही हूँ आपका इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। उसके बाद फिर कैब ड्राइवर भाई ने और एक ट्वीट किया है और ये कहा कि जब WWE ऑन फॉक्स ने ये ट्वीट किया कि द न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन शुड बी, एंड एक बड़ा सा डैश दिया है, उस पर कैब ड्राइवर कमेंट करते हैं अशेम्ड ऑफ देमसेल्फ्स, मतलब उनको खुद पे शर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना फनी सिचुएशन हुआ है कैब ड्राइवर भाई के साथ। अब आपको पता है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन तो है ही नहीं, प्लस वो WWE में भी आ नहीं रहे हैं, तो अभी एक ही काम बचता है कि जाकर कैब चलाए। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है सेथ रॉलिंस एंड स्कारलेट से। अभी जैसे आपको पता है कि NXT में कैरियन क्रॉस ने डेब्यू किया है और स्कारलेट उनके साथ है। तो कैरियन क्रॉस काफ़ी प्रॉमिसिंग सुपरस्टार लग रहे हैं और काफ़ी डोमिनेटिंग भी है, एंड स्कारलेट जो है वो अभी पूरे WWE में सबसे ब्यूटीफुल सुपरस्टार है। तो दोस्तों, रिसेंटली सेथ रॉलिंस ने प्लैनेट रेसलिंग के साथ इंटरव्यू दिया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि वो स्कारलेट को कब से जानते हैं। रॉलिंस ने कहा कि वो स्कारलेट को काफ़ी पहले से जानते हैं, और कैरियन को तो मैं अभी जानने लगा हूँ, और स्कारलेट जो है वो शिकागो से है, और वो शिकागो के इंडीज में आके रेसल करती थी, और मैं वहीं पर परफॉर्म करता था स्कारलेट के रेसलर बनने से पहले। और मुझे याद है कि कैसे स्कारलेट अनोइंग लिटिल गर्ल थी, जो शो पर जाना पसंद नहीं करती थी शिकागो में, और अब आप देख सकते हैं कि वो कितनी बड़ी सुपरस्टार बन चुकी है, और ये काफ़ी ऑसम है। और ये चीज़ मुझे इंस्पायर करती है ये देखकर कि जब भी मैं इसको पहले देखता था, तभी मुझे लगा नहीं था कि इसमें इतना पोटेंशियल है, पर अब वो WWE में है और काफ़ी बड़े पोजीशन पर है, और कैरियन जो है उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है टू बी अ बिग स्टार। और उनकी जो डेब्यू में एंट्रेंस थी NXT में, वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, और आपके पास बस एक ही चांस होता है अच्छा इंप्रेशन देने का, वो होता है फर्स्ट चांस, और उन्होंने अपना फर्स्ट चांस ही काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पास कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सेथ रॉलिंस एंड स्कारलेट की जो फ्रेंडशिप है वो काफ़ी पुरानी है, सेथ रॉलिंस के इंडी वाले डेज से है। सो लेट्स सी कि क्या स्कारलेट एंड कैरियन की जो राइवलरी है वो सेथ रॉलिंस के साथ हो सकती है या फिर नहीं इन द कमिंग टाइम। तो चलिए अब बात करते हैं बड़ी अपडेट के बारे में, जो जुड़ी है बेकी लिंच एंड विंस मैकमैन से। जैसे आपको पता है कि बेकी लिंच अब अनाउंस कर चुकी है कि वो प्रेग्नेंट है और वो WWE से 9 to 10 मंथ्स के लिए बाहर होने वाली है। ये जो करंट टाइम पीरियड था वो बेकी लिंच का सबसे मेन टाइम था, क्योंकि वो टॉप ऑफ द माउंटेन पर थी, एंड गेस व्हाट, वो उनके फियांसे सेथ रॉलिंस से भी बड़ी स्टार बन चुकी थी, और इसी के बीच उनको जाना पड़ रहा है 9 to 10 मंथ्स के लिए वो भी। बट हम समझ सकते हैं कि वो उनका पर्सनल ओपिनियन है, पर दोस्तों इस बात को लेकर विंस मैकमैन ने काफ़ी तारीफ की है एंड प्रेज किया है बेकी लिंच को। बेकी लिंच ने अपने एग्जिट के बाद एक इमोशनल ट्वीट डाला था उनके ट्विटर पर, और उस पर दोस्तों विंस मैकमैन ने रीट्वीट करके कमेंट किया है कि बेकी लिंच एक वर्ल्ड क्लास एथलीट है
जो बेशक एक वर्ल्ड क्लास मॉम भी बनेंगी। उन्होंने एक नई किताब लिखी है कि कैसे बनते हैं द बेस्ट चैंपियन ऑन रॉ, और अब वो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली है अपने लाइफ का। तो फिर ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर WWE फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों, ऐसे विंस ने प्रेस किया है बेकी लिंच को एंड गुड विशेस दिए हैं। एंड इवन बैक स्टेज विंस ने और बेकी लिंच ने काफी अच्छा टाइम स्पेंड भी किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंस कितने खुश है बेकी लिंच के लिए, एंड इवन सेथ रॉलिंस के लिए भी होंगे ही। हम तो बस होप करते हैं कि बेकी लिंच सेफ रहे, हैप्पी रहे, एंड अब इनकी वापसी होगी WWE में, दैट टू आफ्टर 9 to 10 months। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट आपका क्या रिएक्शन है सेथ रॉलिंस के स्टोरी पर ऑन स्कारलेट, एंड सेकंड आपका क्या रिएक्शन है जब विंस ने बेकी लिंच को इतना प्रेस किया है एंड हग किया है बैक स्टेज उस पर। सो गाइस, प्लीज 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल रेसलिंग बादशाह। पीस आउट।